हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज मैं पर्टिकुलरली किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। आज ये वीडियो मैं अपने घर पे ही बना रहा हूँ, अपने घर के टेरेस पे ही बना रहा हूँ। रीज़न क्या है इस वीडियो का, बेसिकली मेरे पास बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था और जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ, मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था टॉप 10 प्लॉट्स एंड विलास का, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और मुझे बहुत क्वेरीज आ रही हैं प्लॉट्स एंड विलास टाउनशिप की लखनऊ में। तो मैंने आज का वीडियो ये सोचा है, मैं टॉप फाइव ऐसी टाउनशिप्स जो 2020 में फेस्टिवल सीज़न में नेक्स्ट एक से डेढ़ दो महीने में बाय दिसंबर तक ये लॉन्च होने वाली हैं, और वो कौन सी पांच टाउनशिप्स हैं, उनको क्या मैं रेटिंग देना चाह रहा हूँ या मैं कैसे रैंक ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये सारी टाउनशिप जो हैं ये अप्रूव्ड LDS से अप्रूव्ड होंगी, रेरा रजिस्टर्ड होंगी और बैंक लोन किसी भी नेशनलाइज बैंक से या प्राइवेट बैंक से, सभी बैंक से आपको इनमें लोन मिलेगा, लोन फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और क्योंकि एज पर रेरा का गाइडलाइन जो है, कोई भी बिल्डर बिफोर रेरा में अप्लाई करे या रेरा नंबर के बिना कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट प्रमोट नहीं कर सकता, कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो इस पर्पज़ से, इस रीज़न से मैं इनमें उन पाँचों टाउनशिप्स का कोई नाम नहीं लूँगा, किसी बिल्डर का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ आपको एक आइडिया दे दूँगा। और जैसे ही वो लॉन्च होंगी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड रहिएगा, मैं आपको उन सभी टाउनशिप जैसे जैसे लॉन्च होंगी वैसे वैसे अपडेट कर दूँगा। लेकिन आज मैं नाम कोई नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ किस रेंज में वो प्रोजेक्ट्स आएंगे और किस रोड पर वो टाउनशिप्स आ रही हैं, जिससे कि अगर आपका रोड कोई पर्टिकुलर बजट में आप प्लान कर रहे हो तो आप वो बजट प्लान कर सकते हो, अगले 2 से 1.5 से 3 महीने का टाइम मिल रहा है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर रोड पे इंटरेस्टेड हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस रोड पे कौन सी टाउनशिप्स आ रही हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 पोजीशन से। ये एक ऐसा ग्रुप NCR बेस्ड ग्रुप है, लखनऊ में अभी तक कोई टाउनशिप इस तरीके से लॉन्च नहीं किया है, पहली बार लखनऊ में आ रहे हैं। सुशांत गोल्ड सिटी उन्होंने चूज़ किया है जहाँ पे टाउनशिप को लॉन्च किया जाएगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट लगभग 3300-3400 रुपये पर स्क्वायर फुट का है। प्लॉट्स के जो साइज़ होंगे वो 1200, 1500, 1800 और कुछ कॉर्नर की यूनिट्स होंगी बड़े साइज़ में, तो लगभग जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 44-45 लाख की रेंज में होगा और लगभग 70-75 लाख की रेंज में जाएगा। विला का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा इस टाउनशिप में, और क्योंकि सुशांत गोल्ड सिटी में है तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि बिल्डर का प्रोफाइल, NCR में 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी एक ही डिलीवर किया है और बाकी के जो 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे हैं, तो मैं इसको एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट कहूँगा। अगर बन गया तो बहुत फ्रूटफुल है, अगर नहीं बना पाए, बीच में रह गया, तो हो सकता है लोगों का पैसा, जैसे कि हर प्रोजेक्ट में कुछ पैसे फंस जाते हैं लोगों के, या बिल्डर ने जो कमिटमेंट किए वो कमिटमेंट पूरे नहीं होते, तो हो सकता है वो एक प्रॉब्लम इस ग्रुप के साथ भी आए, तो इसीलिए मैं इसको नंबर 5 पर रख रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली लॉन्च हो जाएगा लगभग नवंबर मिड में या बाय नवंबर एंड, यह प्रोजेक्ट का लॉन्च एक्सपेक्टेड है। सेकेंड नंबर पर जो बिल्डर है उनका सुशांत गोल्ड सिटी में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हाल ही में प्रोजेक्ट का सेल्स उन्होंने आज से 4 से 5 महीना पहले स्टार्ट किया था। इससे पहले उनको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा उनका फोटे नहीं हैं, उस बिल्डर ने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं पहले, लेकिन वो होटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ और अदर देन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल फॉर सेल पर्पस इस तरीके से उन्होंने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट अभी सुशांत गोल्ड सिटी में उनका चल रहा है। उसी ग्रुप की वो टाउनशिप है, लगभग 18 एकड़ के साइज़ में वो टाउनशिप आनी है, 1200 से लेकर 1800 स्क्वायर फुट का साइज़ मिलेगा उसमें। जो लॉन्चिंग रेट है उनका भी लगभग 3300 रुपए के आसपास में उनका लॉन्च रेट होगा। जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ भी वही लगभग 45 लाख की रेंज से स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि लगभग 1.5 से 2 साल में पोजीशन टाइम वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि दे देंगे। लॉन्च इसका नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। जैसे ही लॉन्च होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
फोर्थ नंबर पे रखने का ऑप्शन ये है कि पैसों से तो फाइनेंशियली दे आर वेरी मच रिच और कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है इस बिल्डर के साथ, तो प्रोजेक्ट बीच में रुकेगा ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि लखनऊ में इससे पहले डिलीवर नहीं किया है और हर मार्केट रियल इस्टेट में हर शहर का मार्केट अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो अब ये उनके लिए है कि वो कितना जल्दी और कितना अच्छे से अपने आप को इस मार्केट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट मिक्स लेकर आते हैं, क्योंकि ये भी विला को ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो किसी भी टाउनशिप में अगर विला को ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ प्लॉट्स होते हैं, तो उन टाउनशिप में बसावट थोड़ा देर से आती है, क्योंकि जिन्होंने ख़रीदा है, क्योंकि ऐसी टाउनशिप में इन्वेस्टर भी आते हैं, वो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, वो बनाते नहीं हैं अपना घर, और जो ख़रीदते हैं वो थोड़ा लिंगर ऑन करते हैं, थोड़ा क्योंकि बना बनाया मकान है तो जाके शिफ्ट कर गए, बनाना है तो थोड़ा लोगों को आलस आता है, या लोग उतना जॉब में हैं, उतना एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए फोर्थ नंबर पे मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क की तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिस्क है, क्योंकि लखनऊ मार्केट में इससे पहले कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है इस बिल्डर का। अब बात करते हैं नंबर थर्ड प्रोजेक्ट की। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ग्रुप की जिसको लखनऊ रियल इस्टेट में प्रोजेक्ट डिलीवर करने की आदत सी हो गई है। 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 10-15 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं लखनऊ में, और अभी भी करेंटली उनकी एक दो टाउनशिप्स चल रही हैं जिसको वो डिलीवर नेक्स्ट एक साल से लेकर 1.5 साल के टाइम में डिलीवर कर देंगे। बहुत रेप्यूटेड नेम है, बहुत कैश रिच कंपनी है, अगर कमिटमेंट करते हैं तो पूरा करते हैं, और हाल ही में पिछले 3 या 4 साल में इस कंपनी ने अपना प्रोफाइल चेंज करने का एक सेगमेंट अबव जाने का सोचा है। पहले इनके प्रोजेक्ट बिल्कुल एक एवरेज मिडिल क्लास लोगों के लिए को टारगेट करते थे, लैंडस्केपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था इस कंपनी में, लेकिन पिछले 3-4 साल से कंपनी लैंडस्केपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और अब एक अपर मिडिल सेगमेंट या एक हायर इनकम ग्रुप को भी टारगेट करने का प्लान किया है अपने प्रोजेक्ट्स के साथ में। तो ये टाउनशिप जो है ये बिजनौर रोड पर आएगी। ऑलरेडी उस रोड पे जिन प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो डिमांड अगर उस रोड पे है, क्योंकि वो एयरपोर्ट से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बहुत नियरेस्ट है। कानपुर रोड से कोई आ रहा है और अगर कानपुर रोड की तरफ जा रहा है तो उनको भी वही लोकेशन ही पे जाना है, वो शहीद पथ या इधर किधी इंदिरा नगर या जानकीपुरम एरिया पर नहीं आना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को ये एरिया सूट भी करेगा। और ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसका जो बेस प्राइस होगा वो लगभग 2200 या 2300 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास होगा। अगर 10 साल 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो तो लगभग 2.5 गुना होने का चांसेस है इस टाउनशिप में, और शॉर्ट टर्म अगर 3-4 साल के लिए देखते हैं तो लगभग 1.5 गुना होने का चांसेस है आपका इन्वेस्टमेंट। प्लॉट्स हैं और इसमें विलास का भी ऑप्शन मिलेगा। प्लॉट्स स्टार्टिंग होगा लगभग 25 से 30 लाख रुपये से 1200 स्क्वायर फुट और 2000 स्क्वायर फुट तक के साइज मिलेंगे, और विला स्टार्ट होंगे 55 लाख रुपीस से एंड 95 लाख रुपीस तक का ऑप्शन 95 लाख रुपीस की रेंज तक जाएगा। 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK विला ऑप्शन सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स दोनों ऑप्शन मिलेंगे इसमें। ये मेरे पोजीशन पे नंबर 3 है क्योंकि लोकेशन अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि एयरपोर्ट बहुत पास में है, कानपुर रोड पे कोई ज़्यादा कंपटीशन, कोई ज़्यादा बिल्डर्स नहीं है, बिजनौर रोड लगा हुआ है कानपुर रोड और इधर आशियाना से, तो ऑलरेडी वहाँ पे पॉपुलेशन है, डिमांड बहुत रहती है, तो इसको मैं नंबर 3 दूंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर 2 प्रोजेक्ट। अब मैं जिस ग्रुप की बात करने जा रहा हूँ, ये बिल्डर 2017 में एक टाउनशिप लेकर आते हैं लखनऊ में। उस टाउनशिप को जैसा कमिट करते हैं लोगों को वैसा बनाते हैं, बावजूद पेंडेमिक के अपना प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर करते हैं, पोजेशन हैंडओवर कर देते हैं कस्टमर्स को। जो जिस तरीके का ब्रोशर दिखाया बुकिंग के वक्त कस्टमर को, सेम उस तरीके की एमिनिटीज डेवलप करके दी कस्टमर को एट द टाइम ऑफ पोजेशन। प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिटी के बिल्कुल सिटी सेंटर में उस प्रोजेक्ट को लेकर आए, बहुत लोगों के मन में एक, अगर मैं थोड़ा सा और उसको डिटेल में बताऊं तो स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मन में, बैंकर्स के मन में एक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट को लेके कॉन्फिडेंस आया, ब्रांड को लेके कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ और उसका बहुत फ़ायदा मिला उनको अपनी एग्जिस्टिंग टाउनशिप और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी।
वही ग्रुप अपना एक प्रोजेक्ट सुल्तानपुर रोड पे प्लान कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में अभी टाइम है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल में या मई में लॉन्च होने की तैयारी है उस प्रोजेक्ट की। सुल्तानपुर रोड पे वो प्रोजेक्ट आएगा। प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट का लोकेशन एग्जैक्टली मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपेक्टेड किसान पथ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा टूवर्ड सुल्तानपुर। अब वो अच्छा क्यों है या इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों अच्छा है, जब वो लॉन्च होगा तो मैं स्पेशली उस लोकेशन पे एक प्रोजेक्ट वीडियो बनाऊंगा और उस लोकेशन पे क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, कितने बड़े स्केल के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। लोकेशन और वो बिल्डर की एक फ़ैन फॉलोइंग है आज की डेट में, और वो लोकेशन की भी फ़ैन फॉलोइंग है। बहुत सारे लोग सुल्तानपुर रोड, आईटी सिटी, किसान पथ, मॉल्स और उस एरिया में जाना चाहते हैं, डिफेंस कॉरिडोर के पास अपना घर एक लेना चाहते हैं बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए। वो उनको रहना अभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उनको अभी नहीं मतलब इस बात से कि वहाँ पे मॉल्स का क्या कितना पास में है या क्या मार्केट आसपास में है, उनको सिर्फ लेके एक इन्वेस्टमेंट करना है। उस पर्पज़ से वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। रेट लगभग 2700-2800 की रेट में लॉन्च होगा, 3800-4000 के रेट पे क्लोज होगा। पोजेशन टाइम 3 साल होगा जब लॉन्च होगा तब से, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर कोई सुल्तानपुर रोड, वाराणसी, सुल्तानपुर की तरफ से आ रहे हैं और सिटी से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे HCL IT सिटी आ रही है वहाँ पे थोड़ा कंजेशन हो जाएगा, तो अगर उस तरफ चाह रहे हैं थोड़ा शहर से 4-5 किलोमीटर पहले, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा वो। इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को नंबर 2 पोजीशन पर रखूँगा। अब बात करते हैं नंबर वन पोजीशन पे, कौन सा वो प्रोजेक्ट है और कब लॉन्च होने की तैयारी। ये प्रोजेक्ट विद इन सिटी होगा। प्रोजेक्ट जो है जिस भी बिल्डर का है उसकी एक मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, जो प्रमोटर है उनको एक 25 साल का 20 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक डिलीवर किए हैं, और कस्टमर्स के मन में एक बहुत बढ़िया ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जनरेट किया है इस बिल्डर ने। मार्केट में अपनी छाप एक गुडविल क्रिएट करी है। ये बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है इसमें 1200 स्क्वायर फुट से लेके 1700-1750 स्क्वायर फुट तक के प्लॉट साइज़ होंगे। प्रोजेक्ट लॉन्च होगा दिसंबर या जनवरी, अगले 3.5 से 3 महीने के टाइम में प्रोजेक्ट लॉन्च होने की तैयारी है। प्रोजेक्ट रेरा, LDA और सभी बैंक से अप्रूव्ड होगा। पोजेशन टाइम 3 साल में होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी डील है। लॉन्चिंग रेट लगभग 3400-3500 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास होगा, क्लोजिंग रेट 4500-4300 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चॉइस है जो अपने पेरेंट्स के लिए या अपने लिए प्लान कर रहे हैं इमीडिएटली सिटी में शिफ्ट होना चाहते हैं, बिकॉज सिटी सेंटर है, सारी चीज़ें, सब्जी से लेके डेली यूज़ की आइटम्स सब कुछ अवेलेबल है। स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में ऑलरेडी डेवलप्ड है। सब लोग वहाँ यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। विद इन सिटी प्रोजेक्ट है, हज़रतगंज से 10 या 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इंदिरा नगर और बाकी सारी मार्केट से बिल्कुल लगा हुआ प्रोजेक्ट है। लोकेशन में बहुत हाईली इन डिमांड लोकेशन है, और ये प्रोजेक्ट नंबर 1 स्पॉट पे सिर्फ अपनी लोकेशन की वजह से, बिल्डर की रेपुटेशन की वजह से, और जो रेंज 45 लाख से लेके 70 लाख की रेंज में प्लॉट्स, और 70 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख की रेंज में विलास, ये ऑप्शन हाईली इन डिमांड। ये बजट जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, और क्योंकि टाउनशिप विद इन सिटी है तो अपनी फैमिली को लिए भी आप प्लान कर सकते हो, अगर आप अपने अभी इमीडिएटली नहीं शिफ्ट हो रहे हो तो भी आप प्लान कर सकते हो, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट क्यों, रेट तो महंगा लॉन्च हो रहा है, फिर भी क्योंकि विद इन सिटी होने का आसपास जो रेट चल रहा है वो लगभग इसी रेंज में है। और जब आप एक प्लान टाउनशिप में जाते हो जहाँ पे पार्क्स मिलेंगे, क्लब मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे, सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी, गेटेड टाउनशिप होगी, तो ऑटोमेटिकली बाहर से अंदर का रेट बहुत ज़्यादा होता है, और ये ऑलरेडी हर जगह प्रूवन फैक्ट है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, एंड यूज़र के लिए भी अच्छा है, विद इन सिटी है तो इसके बहुत एडवांटेज मिलेंगे। और ये प्रोजेक्ट दिसंबर या जनवरी में लॉन्च होगा, बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाला प्रोजेक्ट है ये, और जैसे ही लॉन्च होता है इसका मैं एक स्पेशली इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने एक मोटा मोटी आइडिया दे दिया होगा। सीतापुर रोड पे प्रोजेक्ट आने वाला है, सुल्तानपुर रोड पे प्लॉट मिला की टाउनशिप आने वाली है, बिजनौर रोड, कानपुर रोड की तरफ प्लॉट मिला की टाउनशिप आने वाली है, और 2 टाउनशिप आपकी सुशांत गोल सिटी के अंदर आने वाली हैं। ऑलमोस्ट लखनऊ की हर लोकेशन, फैजाबाद रोड को अगर छोड़ दूँ तो एक अच्छी टाउनशिप अगले 3 से 4 महीने में लॉन्च हो रही है। तो अगर आप प्लॉट और विला के लिए ही प्लान कर रहे हो और इतना बजट लेके चल रहे हो,
और 3 साल 2.5 साल में पोजीशन टाइम ऑफर होंगे जब भी ये लॉन्च होंगे प्रोजेक्ट। अब से अगर ये आपको मीट कर रहा है एसआईडी रिक्वायरमेंट तो आप 2 से 2.5 महीना वेट करें, बहुत अच्छे अप्रूव्ड ऑप्शंस आपके पास प्लॉट एंड लॉट के आने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।